नमस्कार, हम मौजूद हैं चौपाल के इस एपिसोड में छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट इन दिनों छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में मुख्य मुकाबला भाजपा के विवेक बंटी साहू और कांग्रेस के नकुल नाथ के बीच है। लंबे समय से ये सीट कांग्रेस के पास रही है। यहाँ पर सांसद नकुल नाथ दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं, जबकि कमलनाथ यहाँ से लगातार चुनाव में जीतते रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनौती का विषय यहाँ बना हुआ है, ये सीट को किसी भी तरह से हासिल किया जाए, इस तरह के प्रयास भी हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, किस तरीके से चुनाव में स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्या मुद्दे यहाँ पर हावी है और ये लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से मतदान करें। ये जो सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है, खासतौर पे बीजेपी की, लंबे समय से कांग्रेस के पास है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जो हावी होने वाले हैं चुनाव में? ये तो मुद्दे बस यही है, सारे नेता बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ के। इनको भी समझ में आ गया कि अब कांग्रेस का कुछ भविष्य नहीं है, सारे विकास अब बीजेपी करवाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार 400 सीट के साथ आने वाली है, इसलिए सारे काम बीजेपी करवाएगी। इसलिए जनता भी समझ चुकी है इस बार बंटीविया जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। खाली लोग शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं यहाँ पे विकास और भी दूसरी विकास जो मुद्दे हैं जो काम नहीं हो पाए थे पिछले 5-10 सालों में, अब लोगों को उम्मीद है कि बंटीविया के आने से ये सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसलिए ये आप कांग्रेस से जुड़े हैं, केंद्र और भाजपा में केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार, क्या मानते हैं, किस तरीके से लोग आपको वोट करें, खासतौर पर कांग्रेस को क्या इशू? देखिए, पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ का विकास माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ने ही कराया है। आज 2013 में यहाँ स्किल सेंटर खुले, जब पूरे देश में स्किल इंडिया की बात हो रही थी उस समय यहाँ स्किल सेंटर्स खुल चुके थे। आप जाइए देखिए कि कितने स्किल सेंटर्स छिंदवाड़ा में है। माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी, माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फंड आया, मेडिकल कॉलेज के लिए फंड आया, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए फंड आया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए फंड आया। ये विकास की बात करते हैं। जैसे ही सरकार हटी, इन्होंने सारा का सारा फंड डब्बे में डाल दिया। इनको छिंदवाड़ा की जनता से प्रेम नहीं है, किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ से ना जीते। रही बात विकास की, तो विकास माननीय कमलनाथ जी का लक्ष्य है, विकास माननीय नकुलनाथ जी का विजन है, और विकास कांग्रेस करा सकती है, और किसी पार्टी में इतना दम नहीं है जो छिंदवाड़ा में विकास करा सके। देखिए, ये कहा जा रहा है कि किसी पार्टी में दम नहीं, आप मानते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ का विकास कराया, कमलनाथ ने यहाँ का विकास कराया और आगे जनता इसीलिए वोट करें? भाई साहब, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद, समाजवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर काम करती है। आप देखिए, अगर कांग्रेस अगर काम करती तो ये सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी के पूरे राज्यों में कैसे बनती, और जब बनी है तो किसी आधार पे बनी है। आधार क्या है? जो मौलिक अधिकार होते हैं, जनता से जुड़े अधिकार होते हैं, वो जनता तक पहुंचाने का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम जो कर रही है वो बहुत अच्छे कामों को लेके कर रही है। लोगों को गैस चूल्हा मुफ्त में मिल रहा है, लोगों को बिजली मिल रही है, लोगों को बहना योजना मिल रही है, सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। और पार्टी जो काम करती है वो व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ एक लक्ष्य है, इस बार 400 पार मोदी सरकार फिर से पुनः बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, चाहे छिंदवाड़ा हो चाहे कोई भी जिला हो। पर वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जो काम है पूरा जनमानस जानता है, और आप सभी जानते हैं, और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में, खास तौर पे छिंदवाड़ा में किस तरीके के इशू काम करेंगे, प्रदेश स्तर, केंद्र स्तर या लोकल? छिंदवाड़ा में ये सभी स्तर के जो इश्यूज है ये काम नहीं आएंगे। छिंदवाड़ा का जो आम नागरिक है वो सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ जी को जानते हैं, उसके अलावा कोई इशू काम नहीं आएंगे। और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का यहाँ पे 40 साल का संबंध रहा है, और 40 साल के संबंधों में कमलनाथ जी ने अपना परिवार, छिंदवाड़े को अपना परिवार माना है, और अपना परिवार मानते हुए आज भी वो सेवारत है, हर किसी की सेवा करते हैं वो। और इसमें नो डाउट कि आने वाला जो समय, ये जो इलेक्शन है, इसमें आप देखिएगा प्रचंड बहुमतों से नकुलनाथ जी विजयी होंगे। लंबा समय कांग्रेस का, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं, कैसे होगा, कैसे चल रहा है? देखिए, अभी आप आज का जो माहौल देख रहे हैं उसके आधार पर अगर आप पिछला भी अगर सोचें तो 2000 चुनाव का, 4 का चुनाव आपने देखा था, 2004 में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, सारे मंत्री और सबसे ताकतवर प्रत्याशी उन्होंने लड़ाया था, तब आज से बुरा माहौल था। वो बंदूकों के साथ आए थे, आपको याद हो, रोहना पे हमला भी किया था, उन्हें मालूम है, वो पूरी तरीके से ये तय करते हैं, बीजेपी के नेतृत्व ये मान चुका है कि हम चुनाव हार रहे हैं छिंदवाड़ा में, इसलिए वो हमारे तमाम सारे लोगों को
पार्टी में ले जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला। छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीत रही है, 100% जीत रही है, क्योंकि जनता ये जानती है कि जो मध्य प्रदेश में 20 साल में क्या हुआ है। आपको पता है 20 साल में क्लास 4 की एक वैकेंसी नहीं निकली। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्लास 4 होता है, क्लास 3 की एक नौकरी नहीं निकली। क्लर्क नहीं है स्कूलों के अंदर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। जब रोजगार नहीं मिला है तो जनता तो नीचे परेशान है। मध्य प्रदेश के अंदर 1,000-1,500 में लोगों से काम कराया जा रहा है। आप जाइए रसोइयों के पास, आप जाइए पंचायतों में जो चौकीदार है उनके पास, नल खोलने वाले हैं उनके पास, 1,000-1,500-2,000 रुपए मध्य प्रदेश में लोगों को ये मेहनताना दे रहे हैं। ये एक्चुअली में गुलामों जैसी स्थिति है, जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। विधानसभा चुनाव हम किन्हीं कारणों से हारे हैं और किन्हीं कारणों से क्या, कुछ सरकार उनकी थी, ऊपर से नीचे तक आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस छिंदवाड़ा सहित 5-7 सीटें जीत रही है और यही बीजेपी की घबराहट है ऊपर से नीचे तक। ये जो कुछ चीजें कांग्रेस छिंदवाड़ा में आप खास तौर पे देखते होंगे जिले में, ऐसी कौन सी विकास की चीज रह गई हो जिसकी जरूरत हो जो पिछले 40 सालों में नहीं? देखिए, विकास तो छिंदवाड़ा में जो है कमलनाथ जी के द्वारा ही कराया गया था, और उसमें सबसे बड़ा जो यहाँ की मूलभूत समस्या थी वो थी माचागोरा डैम पानी की। छिंदवाड़ा में पानी की दिक्कत है, वो माचागोरा डैम कंप्लीट हुआ, सब जगह छोटी छोटी नहरों से पानी पहुंचाने का जो प्रोजेक्ट था वो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो थी, जहाँ का हर दूसरा आदमी नागपुर जाता था स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ का जो मेडिकल कॉलेजेस को सेंक्शन करवाया। सब पूरी जनता के सामने है कि 1600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज घटा करके 700 करोड़ कर दिया गया, उसके बाद भी 700 करोड़ में से 100 करोड़ और कम कर कैंसर डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। आपका जो ब्रेन से रिलेटेड है वो बंद, न्यूरो वाला डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। जितनी जो मेन जो चीज़ें हैं हार्ट से संबंधित वाला, वो सारी कुछ चीज़ें उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दी है। तो ये छिंदवाड़ा का भला चाह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये जो मामला सामने आया है, विकास रुका है भाजपा की सरकार आने के बाद, क्या सोचते हैं भाई साहब? अगर विकास रुका होता तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनती है? अगर विकास रुका है, बात छिंदवाड़ा में तो नहीं, छिंदवाड़ा में क्या है भाई साहब, लोगों का जो एक व्यक्तिगत रुझान जो रहा है, कमलनाथ जी से जुड़ा रहा है, 45 साल की सरकार रही उनकी और उन्होंने जो कुछ भी किया है जनमानस के लिए कुछ तो ऐसा किया होगा कि भाई लोग उनसे व्यक्तिगत भी जुड़े हैं। और मेरा ये मानना है, उनकी बात अलग है पर उनके जो बेटे हैं नकुल नाथ जी, मैं नहीं समझता कि वो इस तरीके से वो सारी चीज़ें कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे हैं वो। जभी तो भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े गद्दावर नेता आज उसमें इस्तीफा देके क्यों बैठे? आज हमारे देखिए दीपक सक्सेना जी जो पूर्व में मंत्री रहे, उनका क्या है? आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे उनके लोग अगर उनका स्वागत कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की ये बहुत बड़ी एक वो है कमी वैसी, जो लोग पलायन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता 3,500-4,000 लोग गद्दावर नेता लोग बीजेपी में आए हैं, आप जी भी जानते, पूरी मीडिया जानती है। ये आपके नेता लगातार शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता खासतौर पर, क्या मानते हैं? क्यों? देखिए, वर्तमान में ये स्थिति का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश की जो सरकार है वो धन की, जनबल की, बाहुबल की और धन बल की राजनीति कर रही है। इस राजनीति के अंतर्गत इनके दो हथियार है, एक CBI और एक ED। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज क्या हुआ, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आज जेल में हैं। और रही बात ये पलायन की, तो ये पलायन धन बल से किया जा रहा है, जन बल से किया जा रहा है, दबाव डालकर किया जा रहा है। लोगों के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि उनको किसी पार्टी में जाना हो, लेकिन कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसका संगठन प्रदेश के हर कोने में, देश के हर कोने में और जिले के हर कोने में फैला है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर माननीय नकुल नाथ जी के लिए चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी इसमें विजयी होगी। ये जो शिफ्ट हो रहा है, जो नेता लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इनका मानना है कि कहीं ना कहीं दबाव है ईडी का, सीबीआई का, क्या सोचती है भाई? ईडी और CBI का दबाव तो फिर भारत में जितने कांग्रेसी नेता हैं हर किसी पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव डाल सकते हैं, लेकिन जिनको जाना है अंदरूनी रूप से, जिनका मन खराब हो चुका है कांग्रेस से, टूट चुका है, जहाँ कहीं ना कहीं किसी को मौका नहीं मिला है, भाई हर आदमी चाहता है हम आगे बढ़े। अब छिंदवाड़ा से 40 साल में सब लोग चाहते हैं कि हमको एक नया चेहरा मिले, और हम युवा लोग भी चाहते हैं कि छिंदवाड़ा से एक सांसद उभरे, छिंदवाड़ा लोकल को आगे लेके जाए और छिंदवाड़ा का नाम सांसद के रूप में अच्छे लोकल व्यक्तिगत, मतलब जो लोकल यहाँ का व्यक्ति है, यहाँ का रहवासी, इतने सालों से जो काम कर रहा है भाजपा में और एक बहुत छोटे पद से ऊपर आ रहा है, कि भाजपा ने एक बहुत मतलब युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से लेकर के आज सांसद टिकट तक जिस व्यक्ति को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो हम छिंदवाड़ा की जनता भी चाहती है और कांग्रेस भी जिस तरीके से टूट रही वो भी यही चाहती है।
ये जो स्थानीय मुद्दे आ रहे हैं, खासतौर पे कहा जा रहा है भाजपा इस मुद्दे को जोरों से बना रही है कि स्थानीय होना चाहिए सांसद। देखो स्थानीय की बात तो सही है, अगर कमलनाथ जी भी स्थानीय हो, क्योंकि विगत 40 सालों से वो यहाँ पे रह रहे हैं, वो उनको अपन दूर का नहीं बोल सकते, वो एक स्थानीय आदमी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा ज़िला है ये कांग्रेसमय ज़िला है, छिंदवाड़ा ज़िले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ज़िला है। यहाँ से कांग्रेस से कोई भी आदमी चुनाव लड़े वो जीतता है और जीतता रहेगा। और नकुलनाथ जी की एक और खासियत मैं आप लोगों को बता दूं कि नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी एक परिवार है, वो हमेशा यहाँ पे छिंदवाड़ा ज़िले के जितने भी मतलब कोई भी बीमार होता है वो उनकी मदद हमेशा के लिए खड़े हो जाते हैं। मतलब आपको उनके पास खबर वर पहुँचाना कि आपके किसी की तबीयत ख़राब हो गई या किसी को इलाज कराना है नागपुर में या कहीं पर भी, कितना भी पैसा लगता है वो अपने व्यक्तिगत मदद से। ऐसे मेरे हिसाब से ज़िले में क्या प्रदेश में कोई ऐसा सांसद नहीं होगा कि जो अपने व्यक्तिगत मदद से उनकी किसी की आपको इलाज कराते हैं। और एक और चीज़ और बता दूं कि जो भी बच्चे, गरीब बच्चे अमीर बच्चे, मतलब जिले के कहीं भी पढ़ रहे हों, उनकी फीस माफ़ करवाने से लेकर ये सब व्यक्तिगत रूप से हमेशा यहाँ पे चलता रहता है। ये हमारे साथ थे तमाम नेता, हमने इनके विचार जाने। कांग्रेस और बीजेपी के इन लोगों का कहना है, दोनों के अपने अपने दावे हैं, जहां कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि सांसद नकुलनाथ जो पहले रहे हैं और कमलनाथ, इनका वर्चस्व कायम रहेगा। वहीं भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि बदलाव के हालात बने हैं। राजेश करमेले, न्यूज़ 18, छिंदवाड़ा।